खौलते दूध में जा गिरा 4 साल का बच्चा, 3 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से जंग, अब पूरे इलाके में पसरा मातम। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 4 साल का बच्चा खौलते दूध के बर्तन में गिर गया। गर्म दूध में गिरने से उसका पूरा शरीर झुलस गया। आनन फानन में घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। मासूम 3 हफ्तों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन बुधवार को पूरे बदौन कला गांव में मातम पसर गया। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 साल के बच्चे की पहचान देव अहिरवार के रूप में हुई है। 4 अक्टूबर को वह गर्म दूध के बर्तन में गिर गया था। जब बच्चा बर्तन में गिरा तब वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि 3 भाई बहन में देव सबसे छोटा था। वह अपने घर के आंगन में खेल रहा था। आंगन में ही एक बर्तन रखा था जिसमें घरवाले खौलता दूध रखे थे। खेलते खेलते मासूम उस बर्तन में गिर गया। खौलते दूध में गिरने से देव का शरीर लगभग 80% झुलस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मासूम की आवाज सुन घरवाले उसकी तरफ दौड़े। बच्चे को ग्वालियर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मासूम जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। इस हादसे में बच्चे का 80% शरीर झुलस गया था। बुधवार को उसके मौत की खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम पसर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच शुरू कर दिया गया है। वहीं एक दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक पिता ने अपनी दिव्यांग बेटी को पानी भरे प्लॉट में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक पानी भरे प्लॉट में गिरने के बाद मासूम बच्ची तड़पने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मासूम बच्ची को जिंदा मारने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।